स्वामी जी जन सेवा संस्थान की स्थापना 1987 के अंदर हुई थी, आज से 36 साल हो गए हैं। विभिन्न प्रकार की सेवा प्रवृत्तियां जन सेवा संस्थान के माध्यम से चलती हैं, वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है, निशुल्क पब्लिक स्कूल, मेडिकल में लावारिस रोगियों की सेवा, रक्तदान शिविर लगाना, हर महीने आंखों के कैंप लगाना, गरीब लड़कियों की शादियां करवाना, अनेक अनेक सेवा कार्य जन सेवा संस्थान द्वारा चलाए जाते हैं। इस समय रोहतक के अंदर एक पुरुषों का वृद्धाश्रम, एक महिलाओं का वृद्धाश्रम, अलग अलग दोनों वृद्धाश्रम चल रहे हैं। इसी प्रकार से एक पुरुषों का अनाथाश्रम, एक महिलाओं का अनाथाश्रम, ये रोहतक में चल रहे हैं। आपने शायद पब्लिक स्कूल तो भले ही सुने, लेकिन निःशुल्क पब्लिक स्कूल कहीं पर नहीं सुना होगा। 753 बच्चे पढ़ते हैं, CBSE एफिलिएटेड स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, और सारे बच्चे फ्री। और केवल पढ़ाई फ्री नहीं, बस से आना जाना भी फ्री, स्कूल ड्रेस भी, किताब भी फ्री, किताबें कापियां भी फ्री, दोपहर का लंच भी सबके लिए फ्री। और उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, गरीब घर में पैदा हुए हैं, उनको सपोर्ट दी जाए तो वो गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। और अब हमारे स्कूलों में से निकले हुए बच्चों ने MBBS में दाखिला मिला है, BMS में दाखिला मिला है, NIT कुरुक्षेत्र के अंदर दाखिला मिला है, पशुओं के डॉक्टर के अंदर दाखिला मिला है, BSc नर्सिंग के अंदर, मतलब अनेक अनेक वो गरीबों के अति गरीब बच्चे जो बिल्कुल ही गरीब परिवारों से थे, वो भी हमारे स्कूल से पढ़ करके, निःशुल्क पढ़ करके और अच्छी अच्छी पोस्टों के ऊपर जा पहुँचे हैं। जो हमारा अनाथ आश्रम है, आपने सुना होगा, अनेक अनाथ आश्रम आपने देखे हैं, लेकिन हमारी जो अनाथ आश्रम की कल्पना है वो डिफरेंट है। उसके अंदर हम उन अनाथों को लेते हैं जो कि वास्तव में अनाथ है, अर्थात जिनका अपना कहने के लिए कोई नहीं, जिनका नहीं पता माँ कौन है, बाप कौन है, जाति क्या है, धर्म क्या है, कहाँ पैदा हुए, कौन सा उनका एड्रेस है, ये भी कोई उनको मालूम नहीं है। और हरियाणा सरकार द्वारा भी इस प्रकार की उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था, सेवा की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं है। इस समय हमारे पास रोहतक के अंदर महिला अनाथ आश्रम है जिसमें 270 महिलाएं इस समय रह रही हैं। वे कौन है जिनका यही नहीं पता कौन है वे, उनमें से कितने तो अपना नाम भी नहीं बता पाती, लेकिन कुछ नाम बताती हैं तो उनके घर के एड्रेस का कोई मालूम नहीं। तो उनको हम रख करके फिर उनका क्या करते हैं, इलाज करवाते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, जो अपना एड्रेस बता पाए तो उनको उनके घर भिजवाते हैं। अब तक लगभग 600 लोगों को, स्त्री पुरुषों को, हम उनके घर पे भिजवा चुके हैं काउंसलिंग, मतलब पहले इलाज, ट्रीटमेंट साइकेट्री का, और उसके द्वारा बाद में फिर काउंसलिंग करके एड्रेस ढूंढ ढूंढ करके बड़ी मुश्किल से ढूंढते हैं। अभी एक महिला तो 11 साल के बाद अपने घर पहुंची है, 10 साल तक वो अपना पता नहीं बता पाई, रोहतक की अनाज मंडी के अंदर पागल के हालत में मिली, सारा करते रहे, इलाज करते रहे, सब कुछ करते रहे, कब कुछ एड्रेस बताए, कभी कुछ एड्रेस बताए, लेकिन 11वें साल भी उसने एड्रेस बताया अपने भाई का कि दोसा बांदी कुई के अंदर मेरा भाई रहता है इस नाम से। वो तो फिर हम तुरंत फिर पहुंचे, तुरंत जाकर उसका वो लिया, उसका परिवार सारा था, उसका पति था, बच्चे थे, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, पूरा परिवार आया एकदम लेने के लिए उसको। लेकिन बस वो दिमाग से वो उसका पागल हो गया, मतलब एक तो होता है जन्म से पागल मंदबुद्धि, हर एक बाद में कोई भी टेंशन हो जाती है तो उसके अंदर फिर हो जाता, तो बाद की थी वो, इसलिए उसका बच्चा भी था। उन्होंने बताया कि इसकी लड़की 18 साल की हो गई थी, पिछले साल ही हमने उसकी शादी की, अब ये तो 11 साल से गुम है, कहाँ पाएगी। और फिर दूसरा उनको विशेष खुशी इस बात की हुई कि 11 साल तक वो महिलाओं में ही रही, महिला अनाथ आश्रम में सारी सेवादार भी महिलाएं हैं कंप्लीट की कंप्लीट, और सारी जैसा आप जिंद में आश्रम बनाया है इसी प्रकार का महिलाओं का अलग से आश्रम, जिसका सारा स्टाफ पूरा पूरा महिलाओं का ही है, इसी प्रकार से ऐसे ही आदमियों की है। तो हम लोग कैसे करते हैं कि जहां कहीं किसी को भी कोई रोड के ऊपर कोई पागल हालत में मिल जाए। और ये मंदबुद्धि लोग कैसे होते हैं, ये भीख नहीं मांगते, ये एक जगह बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, 10-10 दिन तक भूखे रहेंगे, महीने महीने इनको नहाए हो जाएंगे, चोट लग जाएगा तो उसका इलाज नहीं होगा, उनके कीड़े पड़ जाएंगे। कितने कितने हमारे को ऐसे आदमी मिले जिनके सिर के अंदर भयंकर कीड़े ही कीड़े चल रहे हैं, पैरों के अंदर कीड़े ही कीड़े चल रहे हैं, और उनको भी फिर हम लेकर के आते हैं, उनको फिर पहले मेडिकल में चेक करवाते हैं, बाद में फिर अपने पास में रखते हैं और उनके सारे सारे ठीक होकर के, और कितने लोग अपने घरों में गए, कितने लोग अब आश्रम में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अब यही कहते हैं कि जब अब हम ठीक हो गए तो हम आश्रम में सेवा करें हमारे करके। इस समय लगभग 800 से ज्यादा लोग हमारे पास इस समय वर्तमान में है हमारे आश्रमों के अंदर। चार आश्रम जैसे मैंने रोहतक में बताए, एक आश्रम हमारा जींद में है जो 2014 में बनाया था, इस समय इसमें 60 आदमी है, 60 आदमी इस समय निवास कर रहे हैं। एक हमारा चरखी दादरी में है
उसके अंदर 65 आदमी निवास कर रहे हैं, और जो पुरुषों वाला आश्रम है उसके अंदर 231 लोग हैं, और वृद्ध आश्रम के अंदर पुरुषों के वृद्ध आश्रम में 170 लोग हैं, महिला वृद्ध आश्रम के अंदर 85 महिलाएं निवास कर रही हैं, जो मैंने फिगर आपको दी है इस प्रकार से करके। ये जो हमारा जींद का जो आश्रम है, अब हमारी योजना क्या है कि इस समय हमारे 4 नए आश्रम बनने लग रहे हैं। एक पानीपत के अंदर बनने लग रहा है 5600 गज जगह के अंदर 400 आदमियों के लिए रहने की जगह, और उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है और उसका सारा काम बाकी चल रहा है। एक हमारा आश्रम बन रहा है गोहाना के अंदर 3200 गज जगह के अंदर, और 150-200 आदमियों के लिए रहने की जगह बन जाएगी, वो बन रहा है आश्रम। एक आश्रम हमारा बहादुरगढ़ के अंदर बनने लग रहा है और उसके अंदर भी लगभग 150 आदमियों की व्यवस्था हो जाएगी। जो ये हमारा जींद का जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए आज हम बैठे हैं, उसका परसों हम उद्घाटन कर रहे हैं। ये 5200 गज जगह के अंदर बना है और इसके अंदर 350 आदमी बेसारा वो निवास कर सकेंगे उसके अंदर करके, और उसके अंदर हमारे लगभग 6 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई है। तो ये जो आश्रम है, ये हमारा जो सारा एरिया है, नरवाना है, टोहाना है, उचाना है, अर्थात जींद से 100 किलोमीटर के एरिया में कोई भी व्यक्ति ये बता देगा कि वो कोई भी आदमी पागल हालत में, दिमाग कमजोर हालत में, या अपाहिज है, या कोई वृद्ध है जिसकी कोई कहने वाला नहीं है, केवल हमारे को एक फोन से सूचना दे दें, हमारी एम्बुलेंस स्वयं उसको लेकर के आएगी और उसको यहाँ पर आकर के उसको हर तरह की उसकी सेवा सहायता होगी। इसी प्रकार से कोई भी ऐसा वृद्ध है जिसके परिवार में सेवा करने वाला नहीं है या सेवा नहीं करते हैं, तो बिल्कुल निःशुल्क सेवा रहेगी अच्छी, उसकी हर तरह से सभी तरह की सुविधाओं के साथ में हम वृद्धों को भी रखेंगे। ये हमारी सारी योजना इस प्रकार की है। जो हमारा पुराना आश्रम चल रहा है जिसके अंदर इसमें 60 महिलाएं हैं, ये गोपाल स्कूल के पास में, उसकी हमारी योजना है कि यहाँ पर हम महिलाओं का आश्रम बनाएंगे। लेकिन है जी 60 पुरुष, हाँ 60 पुरुष इस समय रह रहे हैं, तो यहाँ पर हम महिलाओं का भी रखेंगे करके, क्योंकि इस समय तो केवल पुरुष यहाँ पर हम रखते थे, और महिलाएं यदि कोई मिल जाती थी, कई बार मिली जींद के अंदर भी, कई बार ऐसे मिली है तो वो रोहतक ही भेजी जाती थी, तो उसके अंदर हम महिलाओं का वो ऐसा ऐसा रखेंगे। और मैं समझता हूँ अगर ये जो काम है इसके अंदर हरेक आदमी के सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो कार्य है ये एक ईश्वरीय कार्य है। ये लोग ना तो भीख मांगते हैं, कभी भी प्यास लगी हुई है, धूप में बैठे हैं, थोड़ी दूर के ऊपर नलका है, उनको ये नहीं पता जाके नलका ले लो। दूसरा, यदि कोई उसकी इनकी सहायता करना चाहे तो भी आसान नहीं है। आप इनके पास से गुजरे, आपने इनको 50 रुपये दे दिए, इनको ये नहीं पता ये 50 रुपये हैं, इनको यही नहीं पता इनका क्या करना है, यही नहीं पता इनको क्या करना है, अगर मैं इन पैसों को दे करके मैं भोजन ले लूं, उनको नहीं पता इस बात का। तो इन लोगों की जो सहायता है, बड़े कठिन काम होता है इस बात के लेकर के, लेकिन हमने इसी बात को लिया कि अनाथ आश्रम आपने दूसरी जगह देखे होंगे जिसके अंदर सही बच्चों को रखा जाता है, विधवाओं के बच्चों को रखा जाता है और उनको पढ़ाया जाता है, वो बहुत आसान काम है। लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं हम, अगर इसके अंदर उनको जब आप देखोगे कि शरद के अंदर आया है, 2-2 महीने आए हुए, 4-4 महीने आए हुए, कपड़े भी बिल्कुल मैले हैं, बिल्कुल ही बालों के अंदर इतनी बड़ी बड़ी जुएं हो रही हैं, और कईयों को तो चोट लगी हुई है तो उसके अंदर घाव पका हुआ है, सारी खराब हालत के अंदर है, लेकिन वो जो है अभागा मानव है, मेरा भगवान है, विनोबा भावे ने जैसे कहा, हम लोग इसी भावना से काम करते हैं। अब जो जैसे अंत्योदय स्कीम बोलते हैं ना, जो समाज का सबसे गिरा हुआ व्यक्ति हो उसको हम उठाते हैं, उसको हम गले लगाते हैं, उसकी हम सेवा करते हैं, उसको हम मुख्य धारा में शामिल करते हैं। हमारे पास में कम से कम 50 आदमियों का तो लोग ऐसे तैयार हो गए हैं जो इन दिमाग कमजोर आए, हमने उनको साइकेट्रिक का इलाज करवा दिया, अब वो 80% 90% तक ठीक हो गए और अब वो सेवा में लग गए, हमारे साथ ही सेवा कर रहे हैं। दूसरा मैं बताता हूँ आपको, कुछ ऐसे भी केसेज आए, लड़की है 20-22 साल की मिली, हमारे पास ऐसी ऐसी लड़कियां हैं, अब हमारे पास महिला नाथा समय आप जाओगे 18 साल की, 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की, यदि वो रोड के ऊपर है तो कहाँ सुरक्षित है, वो कहाँ जाए, वो सरकार की कोई व्यवस्था नहीं। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, यदि कहीं पर कोई दिमाग कमजोर महिला कहीं पर है तो कैथल वाले भी हमारे पास में भेज रहे हैं, तो दूर दूर के लोग जो है ना हमारे पास में भेज रहे हैं। जींद में कोई महिला ऐसी मिल जाती है जींद में कोई आश्रम नहीं है जो दिमाग कमजोर को रखता हो, सरकार की कोई ग्रांट नहीं। हमारा सारा निर्माण हुआ है केवल दानदाताओं के द्वारा, सारा संचालन होता है केवल दानदाताओं के द्वारा, और अब इस समय हमारे पास में 2.5 लाख रुपए डेली का खर्चा है हमारी संस्था का, लेकिन सारा का सारा 2.5 लाख रुपए डेली का, अर्थात साल का हमारा 9 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए के लगभग हमारा साल का खर्चा है, लेकिन सारा का सारा खर्चा केवल दानदाताओं के द्वारा। अब और अधिकतर दानदाता जो वॉलंटियर हैं कि हम डोर टू डोर जा करके दुकानों पर जा करके और किसी के लिए सहते नहीं है, बल्कि अपने आप ही लोग, क्योंकि वो कहते हैं देसी घी होगा तो अंधेरे में चमकेगा, तो हम सच्चाई के साथ में काम करने का प्रयास करते हैं, और इसलिए हमारे को समाज का पूरा सहयोग हमारे को मिला हुआ है। इसमें भी 4 आश्रम निर्माणाधीन है और बाकी जो आश्रम चल रहे हैं ऐसे ऐसे ही बात है। इसके अतिरिक्त तो हमारा चलता है हर महीने आंखों का कैंप लगता है, अब हमारे 18,300 के लगभग ऑपरेशन करवा चुके हैं फ्री आंखों के,
लोगों की। भिवानी के अंदर जो मशहूर है जालान हॉस्पिटल, आँखों का हॉस्पिटल, वहाँ पर मरीजों को लेके जाते हैं, ओपीडी वालों को दवाइयाँ देते हैं, बाकी वो ऑपरेशन करवाते हैं। 18,300 ऑपरेशन अब तक हम करवा चुके हैं, बाकी तो रक्तदान शिविर लगाते हैं, ये करवाते हैं, बाकी तो मिसलेनियस काम हमारे चलते रहते हैं। सपाट की इस मामले में कोई पॉलिसी है ही नहीं। दिमाग कमजोर लोगों के लिए आप कभी किसी मंत्री से किसी पूछना, दिमाग कमजोर लोग रोड के ऊपर हो, हमारा काम भी चल रहा है जी। हम ये समझते हैं दानदाताओं की कमी नहीं है, यदि हमारा काम सही है तो। पिछले 35 साल के अंदर कभी भी हमारे को पैसे की कमी नहीं रही है जी। मैं बता रहा हूँ ना कि हमारी 2.5 लाख रुपये डेली का खर्चा है, सारा दिन बरसात हुई है, सुबह सूरज निकला है, हमें 2.5 लाख रुपये चाहिए। स्वामी जी अच्छी बात है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी ऐसा काम करे ऐसी मांग, इसके लिए तो आप लोग ही उठा सकते हैं। जैसे मैंने अब आपको कहा, आप इसको अखबार में लिखे इस बात को, स्वामी जी चैलेंज करके कहते हैं बता दो यदि कोई महिला ऐसी गिरी पड़ी मिल गई तो उसका क्या करोगे आप? कोई ना कोई अपना होम बना रखा है, ना कोई सपोर्ट करते हैं, ना कोई ग्रांट देते हैं। स्वामी जी आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं बताता हूं आपको, आज से 43 साल पहले मैंने MBA किया, 44 साल पहले, 44 साल हो गए मेरे को MBA किया हुआ। उस समय MBA केवल स्टार्ट हुई थी और रोहतक MD यूनिवर्सिटी के अंदर, रोहतक के अंदर स्टार्ट हुई थी उस समय MBA है जी। तो उस समय जब हमारे टीचर भी MBA नहीं थे, क्योंकि उस समय MBA आई नहीं थी 72 वर्ष के अंदर, तो हमारे टीचर भी MBA नहीं थे, हमारे हमारे अलग अलग फील्ड से स्पेशलाइज होते थे। लेकिन फिर हमने जो था ना जी, ये जो सेवा का जो आनंद है, ये इतना आनंद है, प्रेरणा तो ये संत लोग जो सत्संग करवाते हैं। मैं बताता हूं आपको जी जी, उसके 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 बाद में मेरे को बैंक में नौकरी मिली, बैंक से मैंने रिजाइन दिया, फिर मैंने उस वाला एग्रोमिज में कुछ दिन काम किया, वहां से फिर छोड़ करके सेवा में रुचि थी प्रारंभ से, फिर सेवा में ही लगे। मैं वैसे बताता हूँ आपको, पंजाब के अंदर पिंगलवाड़ा नाम से शायद आपने कोई शब्द सुना हो, अमृतसर के अंदर पिंगलवाड़ा है, तो वहां के भक्त हंसराज जी होते थे जिन्होंने इसी प्रकार की सेवा वहां पर की। तो मैंने वहां उसको जब देखा तो मेरे को ये महसूस हुआ इस बात के लेकर के, यदि सेवा है तो सबसे उत्तम सेवा ये है, जिसका इस संसार में कोई नहीं, कहते ना जिसका कोई नहीं इस जग में उसका अमित कन्हैया, तो उन लोगों की सेवा करो जिनका कोई नहीं अपना कहने के लिए। मैंने अपना व्यक्तिगत परिवार नहीं बनाया, लेकिन आज के दिन मेरा परिवार सब लोगों के परिवारों से बड़ा परिवार है, क्योंकि आपके परिवार में 5 आदमी होंगे, 7 आदमी होंगे, 10 आदमी होंगे, ठीक है ना जी, लेकिन मेरे परिवार के अंदर इस समय 800 आदमी परिवार में है, और आपके घर में तो स्वस्थ लोग हैं, मेरे तो अस्वस्थ लोग हैं। स्वामी जी आप भाजपा से कैसे बचे रहे, वो तो ढूंढती है ऐसे लोगों को, हमने मतलब वोट के लिए ऐसे कैसे बचे रहे, आपके पास ऑफर नहीं है? नहीं, मेरे भाजपा वाले तो आते रहते हैं हमारे पास में, भाजपा वाले आते हैं, आने को क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती उसमें करके, सारे लोग नहीं हमारे पास तो सारे आते हैं, हमारे पास तो हुड्डा साहब भी आते हैं, हमारे पास तो बीजेपी वाले भी आते हैं, सारे आते हैं। बचे कैसे, मतलब टारगेट होता आप जैसे चेहरे? नहीं वो तो हमें देखना है ना जिस बात का, कि हमारा अपने जीवन का लक्ष्य क्या है। अब मैंने जब अपना संपूर्ण जीवन लगाया है तो किस लिए लगाया है? अब उस चीज के लिए लगाया है कि मैं उन लोगों की सेवा करूं जिनकी सेवा सामान्य स्थिति के अंदर नहीं किया जाता। अब मान लो अपनी जिंद की संस्थाएं कितना काम करती हैं, यहां भी तो मेरे ख्याल में कदम बता रहे थे 32 कितनी संस्थाएं हैं, सब तरह के काम होते हैं, लेकिन जो डाउन टोडन लोग हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं, उनके लिए सेवा की बड़ी अति आवश्यकता है। तो अब हम इस आश्रम के द्वारा और सब आप लोगों का सहयोग चाहिएगा और सभी तरफ जो दूसरा हमारे जो आय का मुख्य साधन मैं आपको बता देता हूँ, हमारे आश्रमों के अंदर भोजन सेवा चलती है जिसे हम भंडारा शब्द प्रयोग करते हैं। तो किसी का जन्मदिन है, पुण्यतिथि है, विवाह दिवस है, या वैसे ही श्रद्धा भावना से लोग जो है भोजन सेवा बुक करवाते हैं हमारे पास में। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में 230 लोग हैं किसी में उसमें, तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम रोटी दाल सब्जी चावल जो भी चीज है हम खुद तैयार करेंगे, और उनका परिवार आए, उनके परिवार आके अपने हाथ से खिलाएगा, क्योंकि यदि वो खुद तैयार करते हैं तो उन्हें बहुत मेहनत लगती है। पहले हलवाई के पास करोगे, फिर हलवाई से सामान लिखवाओगे, फिर उसको तैयार करोगे, फिर किन साधन से लेके जाओगे ट्रांसपोर्ट साधन, फिर वहां 20 आदमियों का कम रह गया तो क्या करोगे, फालतू बच गया तो उसका क्या करोगे। तो हम क्या करते हैं कि हमें तो मालूम है कि हमारा कितना कितना सामान लगता है उस प्रकार से। दूसरा मैं आपको बताते हैं, एक और जानकारी दूं आपको, रोहतक के अंदर PGI हॉस्पिटल है, तो सारे हरियाणा का एक ही है, और जहां कहीं से भी पेशेंट आते हैं वो सब वहां पर भेज दिए जाते हैं। तो हमारा क्या चलता है वहां पर,
हमने अपने 14 आदमी वॉलंटियर वहां पर रखे हुए हैं। किस लिए रखे हुए हैं? एक्सीडेंट हो गया, उसको वहां पे ले आए, उसको हेड इंजरी है, वो अपना एड्रेस बता नहीं सकता, जब तक उसके घर के नहीं पहुंचे हैं तब तक वो लावारिस है। दूसरा एक और बात, हेड इंजरी होने के बाद में अपने घर में से करोड़पति है, जो मेडिकल में जो सप्लाई के अंदर दवाई है वही दी जाएगी, बाकी डॉक्टर ही अंदर से अपने पास से नहीं देगा। हो सकता है 200 रुपए का इंजेक्शन चाहिए और वो उस समय उसका लाइफ सेविंग है, लेकिन दे कौन उसको? तो इस काम के लिए हमारा 30 साल से यह सेवा चलती है मेडिकल के अंदर। इमरजेंसी में आप जाओगे, जनसेवा संस्थान का नाम ले लो, जब भी हमारे आदमी तुरंत आ जाएंगे, कहीं भी एक्सीडेंट का केस होगा उसके लिए दवाई की व्यवस्था करना, ऑपरेशन के सामान की व्यवस्था करना, ब्लड की व्यवस्था करना, उसके टेस्ट करवा के लेके आना, नहीं तो उन्होंने लिख दिया सिटी स्कैन होना है, उनके पास में बीरे है नहीं, लोग सिटी स्कैन करवा के लाए तो घटा लग जाता है उसके अंदर जाके, उनके उनके टेस्ट करवा करके लेके आना, बिल्कुल निःशुल्क। दूसरा इसके साथ में अटेंडेंट प्रोवाइड करना, जैसे मान लो एक्सीडेंट का केस है, उसको अपना आईवी लगा दिया, अभी तो वो हिला लेगा यदि उसका आदमी कोई नहीं होगा, तो उसको पकड़ के भी खड़ा होना होता है। तो इसके लिए हमने 8 दिन में 6 दिन का काम में इसी काम के लिए लगाए हुए हैं, केवल और केवल। और दानदाता तो लाखों की संख्या में जुड़ रहे हैं, तो कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप के अंदर, वो तो हमारी संस्था है। जैसे 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 हम जींद में, हमने जींद में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने, तो अब इसकी यहाँ के अपने 24-25 आदमी जो है, अब यहाँ की हमने कार्यकारिणी बना दी है जी, अब यही लोग संभालेंगे। हम तो क्या है, हम तो गाइडेंस देने के लिए है, जैसे मान लो कोई ज्यादा सीरियस है, ये नहीं संभाल पाए तो तुरंत एम्बुलेंस भेज दो, भेजो भाई, हमारे आदमी तो 24 घंटे वहां पर रहते हैं, दिन में भी रात में भी किसी टाइम पे भेजो। अच्छा एक और मैं आपको बताऊं क्वेश्चन करने से आपके पहले, कि अब रोहतक के अंदर क्या है, आप जाएंगे ना, मरीज गया वहां पे तो व्हील चेयर स्ट्रेचर नहीं मिलती थी, व्हील चेयर स्ट्रेचर की बड़ी कमी रहती थी, या फिर उस आदमी ने लिया व्हील चेयर जो गवर्नमेंट की थी, 10 नंबर वार्ड में चला गया वहीं छोड़ दी, वो मिलती नहीं चीज। तो अब हमारे पास में हमने वहां 200 व्हील चेयर 200 स्ट्रेचर रखी हुई है वहां पे, और स्ट्रेचर तो है 8,000 रुपए की, लेकिन 100 रुपए की सिक्योरिटी के ऊपर देते हैं, 100 रुपए दिए, अपना सारा काम करवाओ, उसको वापस दे जाओ उसके, उसको अपने 100 रुपए वापस ले जाओ। अब उससे क्या है, आप कभी भी आप मेडिकल में जाओगे पीजीआई में, तो हमारे वहां काउंटर लगे हुए हैं, 100 रुपए जमा करो, व्हील चेयर स्ट्रेचर ले जाओ, अपना काम करके वापस ले जाओ, तो वहां कमी नहीं रहती, नहीं तो पहले तो कमी कमी रहती थी। 200 व्हील चेयर 200 स्ट्रेचर इसके द्वारा काम कर रहे हैं। दूसरा मैं बताऊंगा आपको, वहां पर जो रोगी दाखिल होता है उसको खाना मिलता है मेडिकल की तरफ से, लेकिन जो अटेंडेंट है उसको नहीं मिलता। अब किसी का बीमार आदमी है और उसके ऊपर एक अटेंडेंट ऊपर खड़ा है, और वो क्या करे, कहां जाए, कहां खाने के लिए जाए, तो जनसेवा संस्थान की तरफ से वहां दोनों समय भंडारा चलता है, निःशुल्क भंडारा। पीजीआई में आप कभी भी जाओगे तो आपको दिखाई देगा बोर्ड लगे हुए, वो कर रहे हैं दोपहर में 11 से 1 बजे तक, शाम को 5 से 7 बजे तक, स्टील की थाली में, स्टील की चम्मच के साथ में रोटी दाल सब्जी चावल चारों आइटम वहां पे, और बिल्कुल निःशुल्क चलता है, प्रतिदिन चलता है, 365 दिन चलता है, बरसात है आंधी, दोपहर में 11 से 1 बजे तक, शाम को 5 से 7 बजे तक जनसेवा संस्थान की तरफ से भंडारा चलता है। उसमें भंडारा लोग बुक करते हैं, जैसे हमने 100 रुपए रखा हुआ है तो लोग बुक करवा देते हैं, जन्मदिन है मेरी तरफ से कर लो, उसकी तरफ से कर, सहयोग तो सब जगह से वहीं से आता है, हमारे पास में तो कोई आय का साधन है नहीं, ना तो हमारी कोई इंडस्ट्री है, ना कोई हमारे कोई एग्रीकल्चर है, कि हमारे से समाज जुड़ा हुआ है, और समाज उस चीज को पसंद करता है कि सही काम करोगे तो सब लोग सहयोग देने के लिए खूब तैयार होते हैं। इस समय मेरा अपना जीवन का कोई अनुभव पूछे तो मेरे जीवन का अनुभव यह है कि करने वालों की कमी होती है, देने वालों की कमी नहीं होती है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा इतना 10 करोड़ रुपए बिना मांगे इस साल भी हमारा बजट बना है, हमारा 10 करोड़ रुपए एक साल के अंदर डोनेशन हमारी संस्था को मिला है, तो आता ही है सब। हाँ ये जरूर होता है, ये मंत्री लोग जो आते हैं ना जी हमारे पास में, तो अपना जो उनका कोटा होता है उसमें से हमारे को दे देते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम में नहीं है, लेकिन जो ये जैसे मान लो परसों वो आ रहे हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी आ रहे हैं, और वो अपने अपने कोटे से जो कुछ देके जाए वो देके जाते हैं, हमारे होते हैं भी ऐसे मंत्री लोग आ जाते हैं राउंड लेने के लिए भी, देखने के लिए भी, हम बुला भी लेते हैं तो वो अपने उससे दे जाते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, और हमारा किसी से क्लेम भी नहीं है, हमारे गवर्नमेंट से शिकायत नहीं है, ये मैंने एक जानकारी के लिए दिया, मुझे गवर्नमेंट से शिकायत नहीं है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है देने की, गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है उनको रखने की, होनी तो चाहिए ठीक है नहीं, लेकिन हम तो ये समझते हैं कि हमारे पास में जब मेरे पास में है देने के लिए, एक आदमी भूखा है मैं उसको खाना खिला सकता हूं, तो मैं क्यों कहूं इसने क्यों नहीं खिलाया? जी 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 हाँ जी हाँ जी सर, जिस प्रकार की मानवीय संवेदनाओं को लेकर आपने एक मिशन को आपने चलाया जी, क्या उसी प्रकार से जैसे भोपाल स्कूल के पास नजदीक आपका वृद्ध आश्रम है जी, वहाँ भी शायद कुछ व्यवस्थाओं की कमी होगी, इस वजह से कुछ पेशेंटों को बहुत एम्बुलेंस में टूट टूट कर घर पर कहीं ले जाया गया, तो क्या आप मेरा नंबर, आप मेरा नंबर नोट कर लें ठीक है ना जी, और कभी भी कोई बात है मैं अभी भी बैठने के लिए तैयार हूँ और बाद में बैठने के लिए तैयार हूँ,
हर समय कोई भी बात की कोई कमी है हमारे अंदर हमारी व्यवस्थाओं के अंदर, हम सुनने के लिए तैयार हैं। और यदि मैं आपको कन्विंस नहीं कर पाऊंगा तो सार्वजनिक रूप से कहूंगा कि हमारी कमी है और वो कमी आगे नहीं रहेगी। देखो मैं बताऊं आपको, ठीक ही नहीं, यदि कोई भी कमी कभी भी रही है तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और आपका सबका सहयोग चाहिए मुझे, ठीक है जी। हाँ, ये आपका प्रोफेशन तो है ही, लेकिन साथ में मुझे सहयोग चाहिए।